महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में लास्ट 4 इयर्स में जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं, उतने तो शायद अब्बास मस्तान की फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलते। पिछले संडे को भी महाराष्ट्र पावर कॉरिडोर में एक बार फिर धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला, जब अजीत पवार समेत 9 NCP के लीडर्स महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अलायंस को ठेंगा दिखाते हुए बीजेपी शिवसेना लेड गवर्नमेंट में शामिल हो गए। ऐसा आखिर क्यों हुआ और यह डेवलपमेंट 2024 इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन अलायंस को कितना इफेक्ट करेगी, आइए समझते हैं। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज निशांत शेखर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो हैशटैग इंडिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब्बास मस्तान की फिल्मों में कौन किसे धोखा दे रहा है ये ऑडियंस को क्लाइमैक्स तक पता ही नहीं चलता। वैसा ही हाल महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स का। लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें उससे पहले रिवाइंड बटन प्रेस करते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। 2019 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस को बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था, पर जब रिजल्ट आया तो शिवसेना ने बीजेपी के अगेंस्ट ही मोर्चा खोल दिया। शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम पोस्ट चाहती थी एज प्रॉमिस टू देम बिफोर द इलेक्शंस, बट बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई प्रॉमिस हुआ ही नहीं था। शिवसेना ने कहा बीजेपी हमें धोखा दे रही है और अलायंस तोड़ दिया। इसके बाद शिवसेना ने NCP और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, पर इससे पहले कि दे कुड फॉर्म द गवर्नमेंट, 23 नवंबर की रात को अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं और नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया होगा उस वक्त गवर्नर से मिलकर सीएम और डिप्टी सीएम पोस्ट की ओथ ले लेते हैं। सो फास्ट, अपने भतीजे अजीत पवार की करतूत देकर शरद पवार काफी अपसेट होते हैं और उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्रेश फ्लोर टेस्ट ऑर्डर कर देती है। भाई ओथ लेने से मेजोरिटी थोड़ी आ जाती है, मेजोरिटी थी नहीं और फ्लोर टेस्ट से पहले ही अजीत पवार वापस NCP चले जाते हैं। आजा बेटा, आजा। इसके बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अलायंस मतलब कांग्रेस शिवसेना और NCP की गवर्नमेंट बनती है, बट 2 साल के बाद ही उद्धव ठाकरे को कोट अनकोट धोखा देकर एकनाथ शिंदे करीब 40 MLA के साथ बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं और स्टेट में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट बन जाती है। सीएम अपॉइंट होते हैं एकनाथ शिंदे और कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार बस देखते रह जाते हैं। अभी उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के रिवोल्ट से रिकवर भी नहीं कर पाए थे, उसी समय अजीत पवार ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को एक बड़ा झटका दे दिया। अजीत 8 NCP MLA के साथ बीजेपी सेना गवर्नमेंट में शामिल हो गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दरअसल अजीत पवार हमेशा से शरद पवार के बाद खुद को NCP का उत्तराधिकारी मानते हैं, बट इट वॉज शरद पवार डॉटर सुप्रिया सुलेज एंट्री इन पॉलिटिक्स इन 2009 दैट फर्स्ट एडेड टू अजीत डिस्कम्फर्ट। हालांकि ओवर द ईयर्स अजीत पवार का स्टेटस NCP में काफी बढ़ गया। अजीत इज सेट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर सेवरल NCP MLAs, बट वेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन हिम एंड हिज अंकल, सेवरल MLAs बैक्ड शरद पवार। 2019 वाले एक्सपेरिमेंट के बाद अजीत और शरद पवार के बीच ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अजीत की बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग है और उनके साथ कोई डील कर रहे हैं। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। इस साल 2 मई को शरद पवार ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो शरद ने पार्टी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया। इस डिसीजन को अजीत ने सपोर्ट किया और माना जा रहा था कि शरद पवार के इस फैसले से अजीत काफी खुश, बट कुछ दिन के बाद ही पवार ने डिसीजन विड्रॉ कर लिया। I'm joking. शरद पवार ने ना सिर्फ इस्तीफा वापस लिया बल्कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भी बना दिया। इससे अजीत पवार की और सुलग गई। इसके बाद अजीत पवार ने खुलेआम कह दिया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट से भी रिजाइन करना चाहते हैं। अजीत पवार ने NCP में स्प्लिट ऐसे टाइम पे इंजीनियर किया है जब ऑपोजिशन पार्टीज एक स्ट्रॉन्ग अलायंस फॉर्म करने में लगी हुई है टू काउंटर द बीजेपी इन द 2024 इलेक्शंस। ऑपोजिशन लीडर्स एडमिटेड दैट द डैमेज द NCP स्प्लिट हैज डन टू एफर्ट्स टू यूनिफाई द ऑपोजिशन इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन इज सिग्निफिकेंट। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती है। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। अब कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी NCP के लीडर्स को करप्ट बता रहे थे और आज देखिए क्या हो रहा है। वैसे जिन NCP लीडर्स को एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में शामिल किया गया है उसमें से 4 लीडर्स या उनके फैमिली के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस है। वैसे अजीत पवार के गवर्नमेंट में शामिल होने से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं।
क्योंकि ना सिर्फ अब उन्हें एनसीपी के लीडर्स के साथ पावर शेयर करना पड़ेगा, बट ऑल्सो द पार्टी विल लूज इट्स एक्सक्लूसिविटी, क्योंकि बीजेपी की उन पर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी। समझाता हूं कैसे। महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी के पास है 105 सीट्स, सिंधे शिवसेना के पास है 40 सीट्स, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए बीजेपी को कंप्लीटली शिंदे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब सिंस एनसीपी के भी 40 एमएलए बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी का डिपेंडेंस शिंदे सेना पे कम हो गया है। आई बात समझ में। आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है, जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालिफाई होने जा रहे हैं, इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। So NCP has now moved a disqualification petition to speaker against Ajit Pawar and 8 other NCP's MLA. NCP ke assembly mein 53 seats hai, and to circumvent the provision of anti-defection law, Ajit Pawar would need the support of more than 36 MLAs. Filhal aisa kaha ja raha hai ki 40 MLAs Ajit ke saath hai, to Ajit safe hai. मामला आगे कोर्ट में जाता है या नहीं ये देखना होगा। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel, Indian Express and Jalsatta.